पिछले कुछ सालों में ट्रूडो कनाडा में बहुत ही अलोकप्रिय हो चुके हैं। जुलाई 2022 में एक सर्वे में ज्यादातर कैनेडियन लोगों ने कहा था कि वो पिछले 55 साल के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि किस तरह ट्रूडो ने अपने देश में बतौर राजनेता अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। आज वो इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि अगर अभी चुनाव हो तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी खो देंगे। लेकिन वो इतने अलोकप्रिय हुए कैसे, आइए जानते हैं। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई फिलहाल बड़ा मुद्दा है। इकोनॉमी और हेल्थ केयर को लेकर एक सर्वे में लोगों ने माना, पॉय लर्वे जो ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं, उनके पास तीनों सेक्टर में सबसे अच्छी योजनाएं हैं। सर्वे कराने वाली कंपनी के सीईओ कहते हैं कि इससे संकेत मिलता है कि कनाडा में लोग सरकार की दिशा को लेकर हताश हैं। खासतौर से आर्थिक मसला चिंता का विषय है। 2015 में महज 44 साल की उम्र में पीएम की कुर्सी संभालने वाले ट्रूडो के लिए ये शायद मुश्किल समय है। ट्रूडो अचानक लोकप्रिय नहीं हुए। अपने पहले कार्यकाल से लेकर अब तक वो ऐसे विवादों में खुद को चाहे अनचाहे जोड़ते हुए मिलते हैं, जिन्होंने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया है। साल 2015 में पीएम की कुर्सी संभालने के बाद एक साल बाद ही अरबपति आगा खान के प्राइवेट द्वीप में छुट्टी मनाने के लिए वो गए थे, जो उन्हें भारी पड़ गया। देश के एथिक्स कमिश्नर ने इसे नियमों का उल्लंघन माना। ट्रूडो ने वादा किया था कि वो छुट्टी के लिए वॉचडॉग से मंजूरी लिया करेंगे। कनाडा में आर्थिक हालात अभी अच्छे नहीं हैं। ऐसे में अलगाववादियों को लेकर ट्रूडो की नरम नीति अब उन्हें पूरी तरह से खुले आम समर्थन करते हुए तब्दील हो रही है। पिछले चुनाव यानी 2021 में ट्रूडो की सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उनकी सरकार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से ही चल रही है। ये कनाडा की तीसरी बड़ी पार्टी है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पार्टी के नेता जगमीत सिंह खालिस्तानी समर्थक की रैलियों में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में अपने घरेलू चुनौतियों से घिरे ट्रूडो अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि यही वजह है अपनी गिरती लोकप्रियता और घरेलू मोर्चा की चुनौतियों के मद्देनजर राजनेता कई बार डाइवर्जन पॉलिटिक्स यानी ध्यान हटाने की राजनीति अख्तियार कर रहे हैं। ट्रूडो भी ऐसा करते दिखते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।